ओम शांति। गुड इवनिंग। बहुत सुंदर समय, संध्या के समय में हम सब बहुत अच्छी सोच लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो आप सब का शांति सरोवर एकेडमी में बहुत ही दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। अभी तक वीडियो जो हमने देखा है, पॉजिटिविटी मन में लेकर रहना है, जो भी होता है वो सब है ना, उसके पीछे भी कुछ कारण है, और फिर होता है उसका पॉजिटिव दृष्टिकोण से हमको लेना है, और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के आगे बढ़ते रहना है। My thoughts and expectations
दुनिया में जो कुछ हम नया देखना चाहते हैं, पूर्वजों के जीवन में हमने देखा कितना दुख नहीं समझने शक्ति नहीं थी, कितने गंभीर नहीं होते थे। आपके लोगों के पास संबंधों में समझते कारण क्या जो देश आत्मिकता का धनी था परिवारों में भी संस्कारों के टकराव के कारण मेरी पत्नी बदल जाएंगी ना तो समझो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो हम उनको ये बोलते हैं आप अपने मॉडल बन जाओ, चाहे आपको देख कर आपकी पत्नी बदल सकती है उतना तो आप शक्ति बनकर जाओ नहीं सकते, क्योंकि हिंदू हमें भगवान ने एक स्वर्ग दिया है स्वर्ग परिवर्तन से जो परिवर्तन मेरे परिवर्तन से परिवर्तन
हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को सम्मिलित करें, हम अपने परम प्रिय परमात्मा से दूर हो गए जो पिता हमें सुख शांति देता है, जिनको हम दुख लगता सुख पड़ता कहते हैं। आज आप देखेंगे अगर किसी से ये कहीं जाए कोई आध्यात्मिक संस्थान में जाएंगे के मूल्य को जानने वाले बहुत अमूल्य रत्न बन गए और इन्होंने समय का समझा वो अपने संसार में संपूर्ण होते हुए अपने अंदर अधिक पर महसूस करते। सब कुछ होते हुए भी आप किसी से पूछो आप इनको वो बहुत भरपूर हो रहे हैं कुछ चाहिए हम लोगों को बड़े खुश हैं आपके पास मस्त होना बन जाती है आपके मरीजों का कोई कुछ भी नहीं है आपके से खुश रहती है क्योंकि हमारे पास जो धन है वो खुशी देने वाला धन है गुणों का है शक्तियों का है अपने ये समय रूपी धन को भी इस समय बहुत बड़ा समय पर मनुष्य को अगर कुछ जागृति आ जाती है जैसे किसान अगर समय पर किसी आत्मा हो ही उससे पूरा सिस्टम रहना पड़ेगा कि फसल होगी आप समय पर ना जाए एयरपोर्ट पर आपके लिए विमान में बदलाव नहीं करेगा दो तीन दिन समय के बाद विमान हो जाएगी ट्रेन भी किसी का इंतजार नहीं करती उसको दिन किसी का बहुत अमूल्य समय है जबकि परम पिता परमात्मा सुन मिलन बनाए मिलन की क्रिया चल रही जो व्यक्ति जो व्यक्तों से मिलन परमात्मा परमात्मा अपने और परमात्मा की पहचान भी आध्यात्मिकता बहुत परिवर्तन कई लोग सोचते हैं धर्म परिवर्तन होते हैं धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं लेकिन हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को आध्यात्मिकता के महत्व को समझे क्योंकि हमने माता पिता से बच्चों को गुरुकुल में भेजा इसलिए उनके जीवन में जो गंभीर सब है वो आध्यात्मिक छोटे बच्चे अगर आप देखेंगे घरों में भोजन नहीं खाते जब तक कि आप उनको मोबाइल पर देते हैं बहुत रोते उनसे मोबाइल छुड़ाते हुए इसका मतलब क्या है मोबाइल अच्छी चीज है या नहीं अच्छी चीज है मोबाइल छोटे बच्चों को देने योग्य है देना चाहिए बच्चों को तो बच्चों से छुड़ाने से पहले चीज को छोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते तो इसलिए ये राज योग से हमारे जीवन में कंट्रोलिंग हम अपने संकल्प को पूरी कर सकते
कोई भी कर्म बिना संकल्प से नहीं होता, और इन भाषा में बोलते किसी को मत करने का कुछ शब्द बोलकर मेरे मन में नहीं क्यों नहीं हर एक व्यक्ति का शिक्षा करते हैं इस बात भी कुछ वचन सुनाते हैं कहते व्यस्त बंद कर क्योंकि व्यस्त सभी को मन को मैंने व्यक्त सोचना है न व्यक्त बोलना है न व्यक्त मन प्रतिक्रिया करना है क्योंकि सुख दुख देने वाले और मनुष्य ऐसे अंदर में ठान ले लेते हैं बदल जाए दुनिया न बदलती है सब बदल सकता है सारा घर बदल गया दुश्मन नहीं कर सकते कई कई सकते तो हमारे लिए भी होगा ना तो भी है और
देखते हैं इस दुनिया की हालत को डिस्कस करते थे हम के परिवर्तन से कौन
जो
भी सोचती है अपने मन को क्या करना So much money. Which is the most important thing?
Thank you.
Thank you.
Human nature, soul nature, contemplative, deep colors,
हमको बहुत सुंदर चीज कौन मिली हुई जिससे हम हम ऐसी आत्मा तो हम जो मंच
Programs that we study in the